नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य में हिंसा के मद्देनजर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मैदान में उतरे। हिंसा के बाद पूरे राज्य में घोषित किया गया अलर्ट। नागपुर में बिना सूचना दिए महानगरपालिका ने काट दिए थे हजार लोगों के नल कनेक्शन। पार्षदों ने जल त्याग आंदोलन के बाद नल कनेक्शन जोड़ने की घोषणा। और नागपुर काटोल में भाई ने बहन के प्रेमी की गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। त्रिपुरा में धार्मिक स्थल पर की विडंबना को लेकर फैली अफवाह के चलते महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि विरोध इस कदर बढ़ जाएगा कि दंगे होने लगेंगे। अमरावती में पिछले दो दिनों से लगातार जारी हिंसा के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात अब भी तनावपूर्ण है। पूरे राज्य में अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। सभी शहरों के कमिश्नर और जिलों के एसपी को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्य सरकार और डीजी ने शनिवार को स्थिति से निपटने के लिए आला आईपीएस अधिकारियों की टीम को मैदान में उतार दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों और रेंज में काम कर चुके एडीजी स्तर के अधिकारियों को अलग अलग रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमरावती में जारी हिंसा को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर राजेंद्र सिंह को तुरंत अमरावती पहुंचने के निर्देश दिए गए। शनिवार की दोपहर सिंह तड़का फड़की में नागपुर पहुंचे और तुरंत ही अमरावती के लिए रवाना हो गए। अमरावती रेंज में सिंह ने कमान संभाल ली है। नागपुर और विदर्भ में वर्षों तक सेवा दे चुके एडीजी ट्रैफिक भूषण कुमार उपाध्याय को नागपुर और गढ़चिरौली रेंज की कमान संभालने को कहा गया है। देर रात वे भी नागपुर पहुंच गए। इनके अलावा एडीजी ट्रेनिंग संजय कुमार को औरंगाबाद शहर और रेंज की कमान सौंपी गई है। संजय कुमार औरंगाबाद में बतौर पुलिस आयुक्त काम कर चुके हैं। स्पेशल ऑपरेशन विभाग के एडीजी प्रवीण सालुंगे को नासिक शहर और रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से रेंज में जाकर कानून व्यवस्था का जायजा लेने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का अनुमान है कि अमरावती की तरह राज्य के अन्य शहरों में भी हिंसा हो सकती है। इसके मद्देनजर सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है। और हमारा मेन उद्देश्य इसके पीछे यही है कि लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर वो भरोसा ना करें, किसी भी प्रकार की अफवाहें वो ना फैलाएं जिससे कि किसी भी प्रकार का जातीय तनाव निर्माण हो। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तो रिस्पॉन्सिबल रहे ही, उनके आसपास भी अगर इस तरीके की कोई घटनाएं हैं या कोई हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में भी पुलिस को तत्काल जानकारी दे और ऐसे प्रकरणों से दूर रहे। प्रभाग 9 इंदौरा बेजनबाग स्थित सुदर्शन कॉलोनी परिसर में महानगर पालिका और OCWD ने कार्रवाई करते हुए करीब 1000 लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए। तीन दिनों से पानी के लिए तरस रहे लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा था। इस संबंध में पार्षदों द्वारा जल त्याग आंदोलन करने के बाद महानगर पालिका प्रशासन ने नल कनेक्शन जोड़ने की घोषणा की। नल कनेक्शन काटे जाने से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। इस समस्या को लेकर नगर सेविका नेहा निको से, ममता सहारे सहित नागरिकों ने आसी नगर जल प्रदाय कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या का निवारण करने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। नागरिकों की समस्या को लेकर नगर सेविका नेहा निको से, ममता सहारे व विवेक निको से शनिवार को जल त्याग आंदोलन पर बैठ गए। ये आंदोलन पालक मंत्री के कार्यालय के सामने ही किया गया। इस संबंध में पालक मंत्री नितिन राउत और विधायक विकास ठाकरे को जानकारी दी गई। पश्चात पालक मंत्री व ठाकरे ने मनपा अधिकारियों को पानी कनेक्शन पूर्ववत शुरू करने के निर्देश दिए। कालराजी पंचभाई व रत्नाकर जयपुरकर ने कनेक्शन जोड़ने की घोषणा की। वही नए कनेक्शन के लिए OCW में 30 नवंबर तक आवेदन और डिमांड की रकम किस्तों में जमा करने की मांग भी मान्य की गई। पश्चात नागरिकों ने नेहा निको से, विवेक निको से और ममता सहारे को पानी पिलाकर अनशन समाप्त कराया। पानी के लिए यहाँ पे आए हैं। OCW वालों ने तीन दिन से कनेक्शन काट दिए बिना इंटीमेट किए। पेपर में आया है कि सुधार कार्य शुरू है तो हम दो दिन के लिए पानी बंद रखेंगे करके, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया है कि कनेक्शन पुराना कनेक्शन काट दिया गया है। इंटीमेट किसी को नहीं दिया गया है। एटलीस्ट एक हफ्ता पहले देना चाहिए था उन्होंने कि हम तुम्हारा पुराना कनेक्शन काट रहे हैं। मोहलत भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। तो हम
OCW के ऑफिस में गए थे आशी नगर के, वहाँ से हम अभी पालक मंत्री के तरफ अपेक्षा से आए हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आमदार है, मंत्री है, कि ये हमारा कुछ ना कुछ निर्णय निकालेंगे करके। तो हम यहाँ पे पालक मंत्री के साथ आए हैं कि हमारा पानी का जो भी समस्या है, जो जितनी भी 600-700 से ज़्यादा भी घर है, 2,000-2,500 घर है, कि उनके कनेक्शन फिर से मिल जाए करके। और अपेक्षा उनसे भी है, OCW वालों से, कि पक्षपात ना करते हुए हमारा पानी का जो भी समस्या है वो पूरी तरह से कर देकर। इथे ज्या परिसरामध्ये नागपूर शहराच्या पालकमंत्री नितीन राऊत साहेबांचा घर स्वतःचे आहे, त्या परिसरामध्ये 2,000 लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन एका रातभरामध्ये षडयंत्र रचून महानगरपालिकेच्या भाजपाच्या सरकारने केलेला आहे आणि 2,000 लोकांचा पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे। आम्ही नितीन राऊत पालकमंत्री साहेबांच्या घरी आमची एक डिमांड घेऊन आलेलो आहोत की आमचे जुने कनेक्शन सुरू करा, त्याच्यानंतरच दुसरा काम करा। तुम्ही OCW गेला तिथे का? OCW एकही अधिकारी तिथे उपस्थित होण्यास तयार नाही आहे, आमच्याशी बोलण्यास तयार नाही आहे। महानगरपालिकेच्या अधिकारी आदरणीय श्वेता बॅनर्जी मॅडमला आम्ही फोन करून नगरसेविकांनी बोलल्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही 2,000 परिवारांना टँकरनी पाणी उपलब्ध करून देऊ, परंतु आम्ही कनेक्शन त्यांचे कापले गेले आहे ते जोडणार नाही, अशी अरेरावीची भाषा ही महानगरपालिका करत आहे। आमच्या टॅक्सवर चालणारी ही महानगरपालिका फक्त त्या भाजपाच्या षडयंत्रकारी लोकांच्या हातात असल्यामुळे हे सगळं प्रकार घडून राहिला। पालकमंत्री साहेबांच्या घरी आम्ही सगळे आलेलो आहोत आणि मी विवेक निकोसे आणि माझी पत्नी नगरसेविका स्नेहा निकोसे आम्ही जलत्याग केलेला आहे। जोपर्यंत आमच्या परिसराच्या जनतेला पाणी भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही पण पाणीचा घुट घेणार नाही, हा मी जलत्याग आंदोलन इथून सुरू केलेला आहे। बहन से प्रेम संबंध की जानकारी मिलने पर पहले धमकाया, नहीं माना तो प्रेमिका के भाई ने मित्रों के साथ प्रेमी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना काटोल येरला धोटे मार्ग पर हरणखोरी परिसर में रेलवे पुलिया के नीचे हुई। मृतक 17 वर्षीय युवक रवि राजू सरदार अर्जुन नगर काटोल निवासी बताया गया है। मृतक की मां वंदना राजू सरदार की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेवरा आचरेकर ने घटना के महज 4 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों में आदित्य सुधाकर पाटिल डेहनकर लेआउट काटोल, सुकेश रामदास उइके, अजय सुनील भलावी और प्रशांत अरुण शेंद्रे, तीनों हेटी पेटबुधवार काटोल निवासियों का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि राजू सरदार कक्षा 11वीं में पढ़ता था और साथ ही वह फोटोग्राफी का भी काम करता था। इस बीच उसकी एक लड़की से जान पहचान हुई, बाद में ये प्रेम संबंध में बदल गया। इसकी जानकारी लड़की के भाई को मिली तो उसने रवि सरदार को पहले समझाया और नहीं माना तो फिर धमकाया। भाई ने आगे मेरी बहन से संबंध नहीं रखने की हिदायत दी, लेकिन दोनों में मेल मिलाप जारी था। आखिर 12 नवंबर को मुख्य आरोपी आदित्य सुधाकर पाटिल ने योजना बनाकर फोटोशूट करने के बहाने से काटोल येरला धोटे मार्ग पर बुलाया और रेलवे पुलिया के नीचे धारदार हथियार से रवि सरदार की गला रेतकर हत्या कर दी। चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को काटोल न्यायालय में शनिवार को पेश कर 17 नवंबर तक PCR प्राप्त किया। मामले की जाँच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेवराव आचरेकर कर रहे हैं। नागपुर शहर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने शहर का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। इन खिलाड़ियों ने सुविधाओं के अभाव वाले मैदानों में अभ्यास किया और अब उनकी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही मैदानों पर प्रैक्टिस कर रही है। साधन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे प्रतिभावान खिलाड़ी जी जान से अभ्यास में जुटे हैं। मौसम कोई भी हो, पश्चिम नागपुर के आकर नगर स्थित मैदान में हर सुबह और शाम सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। खिलाड़ियों के अभ्यास को देखकर तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हमारे ही है, लेकिन मानकों की बात करें तो ये मैदान काफी पिछड़ा हुआ है। नागपुर को खेल सिटी बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संकल्प को इनसे गहरा झटका लगता दिख रहा है। आकर नगर के इस इकलौते मैदान में पिछले 6 महीने से अंधेरा है। इसके पीछे का कारण बिजली बिल का बकाया बताया जा रहा है। चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण बच्चे बाहर नहीं जा सके हैं, लेकिन अब मैदानों पर चहल पहल है। बावजूद इसके मैदान में बिजली की समस्या का निवारण नहीं हो सका है। शाम 5:30 बजे के बाद मैदान में अंधेरा छाने लगता है। ऐसे में शाम को वॉकिंग करने वाले, ग्रीन जिम का उपयोग कर फिट रहने वाले और विभिन्न खेलों के अभ्यास करने वाले खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अखिल विश्व भारती हाउसिंग सोसाइटी के प्रमोद पिंगे ने मैदान की समस्याओं से NMC को अवगत कराया। NMC अधिकारी ने मैदान को NIT के अधीन कहकर बात को टाल दिया। पिंगे ने कहा कि परिसर के लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग मैदान की समस्याओं की सुध ले और तत्काल प्रभाव से इसका हल निकाले। आकर नगर स्थित मैदान में ग्रीन जिम और वॉकिंग ट्रैक है। ये परिसर का बड़ा और एकमात्र मैदान है। सुबह शाम लड़के लड़कियां यहाँ बिना किसी सुविधा के अभ्यास करते हैं।
इसके बाद शासन से संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को स्वयं के खर्चे पर खेल सामग्री खरीदनी पड़ती है। पिंगे ने कहा कि यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाने की जरूरत है। वॉकिंग ट्रैक के लिए पर्याप्त जगह होने से पैदल चलने वालों को कोई समस्या नहीं होगी। मैदान की सफाई के लिए खिलाड़ी मेहनत करने को तैयार है, वह अपना गेंद भी लाएंगे। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि मैदान पर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए 2 पोल, जाल और स्थान मुहैया कराए। इसके अलावा बिल का भुगतान कर पिछले कई महीनों से बंद पड़े मैदान की लाइट को शुरू करने की भी मांग की गई। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार के शालेय शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 5वीं तथा 8वीं में ली जाने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा की फीस में की गई वृद्धि रद्द करने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। इस संबंध में सरकार को एक पत्र भी भेजा गया है। राज्य के शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से कक्षा 5वीं तथा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष पूर्व उच्च माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5वीं के लिए 3 वर्ष तथा कक्षा 8वीं के लिए 2 वर्ष स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। 2021 तक परीक्षा के आवेदन शुल्क 20 रुपये था। पिछड़ा वर्गीय तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं था। गैर पिछड़ा वर्गीय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये था। शालेय शिक्षा विभाग के सहसचिव राजेंद्र पवार के हस्ताक्षर से 11 नवंबर को निकाले आदेश में 2022 में होने वाली परीक्षा का शुल्क 20 से 50 रुपये किया है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसके बाद परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 75 रुपये प्रवेश शुल्क तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रवेश शुल्क बढ़ाए गए हैं। आम विद्यार्थियों के शुल्क में 100 रुपयों से वृद्धि की गई है। स्कॉलरशिप परीक्षा के शुल्क में वृद्धि उचित नहीं होने की बात शिक्षक संगठनों ने की है। तहसील पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर टीम के परिसर में छापेमारी की। एक गोदाम से 3,81,000 रुपये की सुगंधित तंबाकू जब्त कर 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में तेलीपुरा मस्का 7 निवासी संतोष मनोहर लाल राठौर और नया नकाशा लश्करी बाग निवासी साजिद अली शौकत अली का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक टीम की परिसर में स्थित एक गोदाम से बड़े पैमाने पर शहर के पांठेला चालकों को प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और पान मसाला सप्लाई किया जाता है। अन्न सुरक्षा अधिकारी अखिलेश राउत को इसकी जानकारी दी गई। FDA की टीम के साथ तहसील पुलिस ने गोदाम में छापा मारकर साजिद को दबोचा। तलाशी लेने पर 3,81,000 रुपये की तंबाकू बरामद हुई। साजिद ने बताया कि वह संतोष राठौड़ के लिए काम करता है। उसकी जानकारी के आधार पर राठौड़ को भी गिरफ्तार किया गया। राठौड़ के एक पुलिस अधिकारी के करीबी संबंध है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत भी हुई, लेकिन FDA के अधिकारी साथ होने के कारण दस्ता खाली हाथ नहीं लौट सकता था। दोनों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने माल सप्लाई करने वालों को भी आरोपी बनाया है। छिंदवाड़ा का गुटखा व्यापारी शहर में सबसे ज्यादा माल बेचता है। एक तुमसर के व्यापारी का नाम भी सामने आ रहा है। रेलवे बोर्ड एक बार फिर ट्रेनों को पूर्ववत नियमित तौर पर चलाने की तैयारी कर रहा है, यानी वर्तमान में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें फिर से रेगुलर कहलाएगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में रेल भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में तय किया जाएगा कि कब से ट्रेनों को स्पेशल के तौर पर नियमित दर्ज के साथ चलाया जाएगा। इसी के साथ रेलवे ने एक शर्त रखी है कि ट्रेनें नियमित होने के बावजूद कोरोना संबंधी दिशा निर्देश लागू रहेंगे, जिनमें मास्क की अनिवार्यता और कन्फर्म टिकट जैसे नियम शामिल हैं। ऐसे में प्रश्न बना हुआ है कि क्या यात्रियों की सुविधाओं में अभी तरह की कटौती जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने कोविड काल में शुरू की गई ट्रेनों को वातानुकूलित कोचेस में चादर तकिया और ब्लैंकेट देने को बंद कर दिए हैं। साथ ही AC का तापमान भी बढ़ा दिया गया था।
चूंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह शून्य पर नहीं आया है, ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि भले ही यात्रियों को ट्रेनों में सफर के लिए स्पेशल ट्रेनों के मुकाबले 30% कम किराया देना होगा, लेकिन उन्हें अब भी उपरोक्त सुविधा शायद ना मिले। हालांकि इसका निर्णय भी सोमवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। वहीं मार्च 2020 से पहले यात्रियों को पेंट्री कार में पका हुआ भोजन की सुविधा भी मिलती थी, हालांकि इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों में ये एक अहम सुविधा थी। लेकिन कोरोना संक्रमण प्रसार को देखते हुए रेलवे ने पहले पेंट्री कार ही बंद कर दी। दूसरी बार ट्रेनों की संख्या विस्तार के समय रेलवे ने पेंट्री कार में केवल पैकेट्स फूड ही उपलब्ध कराए। अब चूंकि ट्रेनें एक बार फिर नियमित हो रही है तो यात्रियों को उम्मीद है कि पेंट्री कार में पका हुआ भोजन मिले, ताकि लंबे सफर में बड़े स्टेशन के भरोसे भूखा ना रहना पड़े। धान को बोनस देने की मांग करते हुए प्रहार जनशक्ति द्वारा पैर पड़ो आंदोलन किया गया। साथ ही धान को 1,000 रुपए बोनस देने की मांग भंडारा जिले के लाखांदुर में की गई। राज्य सरकार ने धान को 1,000 रुपए बोनस मंजूर करने की मांग करते हुए भंडारा प्रहार जनशक्ति द्वारा भंडारा जिले के लाखांदुर में पैर पड़ो आंदोलन किया गया। इस दौरान धान को 1,000 रुपए बोनस देने की मांग की गई। इस साल भी अतिवृष्टि के चलते फसल खराब हो गई, जिस वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पहले से ही संकट की मार झेल रहे किसानों को राज्य सरकार से मुआवजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं मिला, इसलिए प्रहार ने किसानों की मांग के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, मैं अंकुश वंजारी, प्रहार जिल्हा प्रमुख, भंडारा। खऱ्या अर्थाने या वर्षी आपण शेतकऱ्यांचे जर पाहिलं तर दिवाळी ही अंधारातच गेली, आणि अजूनपर्यंत जो शेतकऱ्याला बोनस सरकारने डिक्लेअर करायला पाहिजे होता तो केला नाही, आणि म्हणून यावर्षी शेतकरी पुन्हा हवालदिल झालेला आहे, उत्पन्न बरोबर झालेलं नाही। त्यातल्या त्यात जे धान खरेदी केंद्रावर मागच्या वर्षी 14.5 क्विंटलच्या एकरी 14.5 क्विंटल धान खरेदी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केलं जात होतं, ते यावर्षी 11 क्विंटलवर आलं। आणि मग अशा पद्धतीनं सगळीकडून सरकारला शेतकऱ्याला जो मारा बसत आहे, आणि मग यावर्षी पुन्हा शेतकऱ्याला बोनस मिळावं, आणि बोनस मिळावं म्हणून आम्ही एक प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने, लाखांदूर तालुक्याच्या वतीने एक पाया पडो आंदोलन या ठिकाणी केलं आहे। पाया पडो आंदोलनमध्ये सर्व सामान्य नागरिकांच्या, सामान्य जनतेच्या पाया लागत आम्ही तहसीलदाराकडे गेलो, सामान्य जनतेला विनंती केली की या भागातले खासदार असतील, आमदार असतील, यांना तुम्ही फोन करा, आणि फोन करून हे सांगा की आमच्या शेतकऱ्याला बोनस कधी लागू करता आणि केव्हा घोषित करता, आणि तहसीलदारामार्फत या राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांना एक आम्ही निवेदन दिलं, आणि आता लगेच आम्ही 8-10 दिवस वाट पाहू, आणि जर समजा 8-10 दिवसात बोनस डिक्लेअर केलं नाही तर एक मोठं शेतकऱ्याचं आंदोलन या येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला आम्ही घेऊन जाणार आहोत। नमस्कार। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।